हेलो स्टूडेंट, हमारे टूर चैनल सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पौधों में लैंगिक जनन। तो इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड कर दिया है। तो पहले वीडियो मैंने बताया था कि जनन यानी कि रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था, वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया था। और दूसरे वीडियो में मैंने लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर यानी कि डिफरेंस समझाया था, बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में। तो अगर आप उस वीडियो को ना देखें हो तो उसको देख लीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं शुरू से, एकदम बेसिक से करते हैं, उसके जड़ यानी रूट से करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में हम पौधों में लैंगिक जनन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी इंट्रोडक्शन। ये पहला हमारा वीडियो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये हमारा पहला वीडियो है। इसमें हम केवल इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम उससे आगे कुछ और डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप है ये, इसको आप जरूर देखना। तो पहले जान लीजिए कि सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन होता क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि जो आपका लैंगिक जनन होते हैं उसमें क्या होते हैं, व्हेन मेल गैमेट्स यानी कि अगर एनिमल है तो स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स ओवम आर फ्यूज टूगेदर एंड फॉर्म जाइगोट। ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल करके संलयन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट यानी कि यूनस का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन के अंतर्गत रखते हैं। तो इस वीडियो में हम पौधों के बारे में डिस्कस करेंगे यानी कि प्लांट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम इसमें बनाए हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, मतलब फूल का संरचना। जैसे कि आप जानते हो कि पौधों में जो आपका लैंगिक जनन होता है ये फ्लावरिंग प्लांट में मेनली पाया जाता है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है, फूलों की संरचना। तो इसमें मैंने बनाया है, देख लीजिए हमारा स्ट्रक्चर है फ्लावर का। देखिए इसमें आपका हम बताएंगे इसमें कौन मेल ऑर्गेनल्स है और कौन फीमेल ऑर्गेनल्स है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए ये हमारा जो दिख रहा है, ठीक है, एक सुराही के आकार का, तो सबसे ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र कहते हैं। अब उसके जो सिलेंडर टाइप ये आपका खोखला जब दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टाइल यानी कि वर्तिका बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्तिकाग्र है, ये जो दिख रहा है लंबा सा ट्यूब लाइक, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्तिका यानी कि स्टाइल बोलते हैं। और सबसे नीचे जो आपका फूला हुआ स्वेलन हुआ पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी यानी कि अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, ये आपका मेन आपका ये हो गया। अब हम चलते हैं, देखिए इसके जब से वाह जो लेयर होते हैं फूलों के, जब से वाह है, जैसे कि आप एक लाही का फूल अगर देखोगे तो जो पीला पीला येलो टाइप का जो संरचना दिखता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेपल यानी कि वाह दल बोलते हैं। अब उसके थोड़ा सा अंदर हम जाएंगे इसके बारे में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेटल यानी कि दल। ठीक है, वाह दल फ्लावर के सबसे बाहरी लेयर होता है, परत होता है, उसके बाद में आपका पेटल होता है यानी कि दल होता है, उसके जस्ट बाद होता है। इन दोनों का काम क्या, आप जानते हो कि ये क्या करते हैं फ्लावरिंग के समय, मतलब पॉलिनेशन के समय ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसको, इंसेक्ट को, जैसे आपका हानि हो गया। ओके, फिर आगे हम देखेंगे इसमें, देखिए एक आपका ट्यूब लाइक संरचना निकला है यहाँ से, इसको हमने क्या बोला है, इसको सबसे ऊपर वाले भाग को जो बाइलोब स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक यानी कि पराग कोश बोलते हैं। ओके, उसके बाद में हम उसके नीचे आएंगे, ट्यूब लाइक दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट यानी कि पुतंतु बोलते हैं। ओके, तो ये देखिए ये पूरा आपका स्ट्रक्चर यानी कि हो गया इसी में, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, फिर इधर आए क्या है, सेपल वाह दल पेटल दल, फिर उसके बाद में ये हमारा क्या है, पोलन सैक यानी पराग कोश, और ये क्या है, फिलामेंट यानी कि पुतंतु। तो इसमें अब हम देखेंगे कि इसमें कौन नर जननांग है यानी कि मेल ऑर्गेनल्स है और कौन मादा जननांग है यानी कि फीमेल ऑर्गेनल्स है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो आपके मेल ऑर्गेनल्स हैं यानी कि नर जननांग है कौन कौन है, एंथर है यानी कि पराग कोश जो हमारा दिख रहा है, जैसे आपके एनिमल्स में होते हैं, ठीक है, आपके जो मेल जननांग होते हैं यानी कि वो क्या होते हैं, टेस्टिस होता है, ऐसे इसमें क्या है हमारा
पोलन सैक होता है, फिर उसके बाद में फिलामेंट है, ये जो हमारा जो ट्यूबलाइक दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट यानी कि बुतंड बोलते हैं। ये दोनों हमारे क्या है, नरजननांग है यानी कि मेल ऑर्गेनल्स हैं। ओके, अब इन दोनों को मिला करके हम इसे क्या बोलते हैं, स्टामेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टामेन। स्टामेन किसे कहते हैं, जब नरजननांग में क्या होते हैं, एंथर और फिलामेंट आपस में पार्टिसिपेट होते हैं, तो उसी को दोनों को हम क्या बोलते हैं, स्टामेन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फीमेल ऑर्गेनल्स में, तो देखिए इसमें क्या है, हमारा मादा जननांग में स्टिग्मा है, ये जो हमारा ऊपर संरचना दिख रहा है, ये वर्टिकल जिसे हम कहते हैं हिंदी में, स्टाइल है जो हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिर उसके बाद में अब लास्ट में जो हमारा है ओवरी यानी कि अंडाशय है। ठीक है, जो तीन ये होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, मादा जननांग यानी कि फीमेल ऑर्गेनल्स। ओके, तो देखिए इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, स्टिग्मा एंड कार्पेल। स्टिग्मा क्या है, मेल ऑर्गेनल्स है यानी कि नर जननांग है, कार्पेल क्या है, फीमेल ऑर्गेनल्स है यानी कि मादा जननांग है। याद रखिएगा इसे, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, फ्लावर में पाए जाते हैं, मतलब कि प्लांट प्लांट के फ्लावर में पाए जाते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट हमारा है, जब देखे यहाँ पे मैंने क्या किया है, हमने इस जो पोलन सैक है यानी प्राकोष है इसे मैंने यहाँ से अलग करके इसे हम क्या किए हैं, यहाँ पे मैंने अलग कर दिया इसे, इसका मैंने टीएस लिया यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन, इसको मैंने काटा है बीच से, तो काटने के बाद देखिए ये हमारे संरचना देखने को मिला है। ओके, तो ये संरचना हमें देखने को मिला है, तो इसमें देखिए क्या क्या है, सबसे बाहरी जो आपका लेयर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। उसके बाद में हमारा जो एंडोडर्मिस है, देखिए हमारा ये जो दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं। ओके, एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर, एंडोडर्मिस मतलब कि ये जो हमारा दिख रहा है उसके बाद, फिर हमारा इसके बाद देखिए टेप्टम दिख रहा है, टेप्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेप्टम। ठीक है, इसका काम क्या है, ये पॉलन ग्रेन यानी कि पराकण को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है यानी कि पोषण प्रोवाइड करता है, उसके जर्मिनेशन के लिए, उसके मेच्योर होने के लिए ये क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। ओके, इसका काम क्या है, ये पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्रदान करता है। ओके, अब हम सबसे अंदर जाएंगे तो क्या देख रहे हैं, पॉलन ग्रेन दिख रहे हैं यानी कि पराकण दिख रहे हैं, छोटे छोटे जो हमारे ये सब हैं, ये सब क्या है, पराकण। ठीक है, अब पराकण के जस्ट बाद क्या है, टेप्टम है। अब यह टेप्टम क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है कि वो जर्मिनेट हो सके, वो मेच्योर हो सके जल्दी। ठीक है, तो इसके तीन चार इसके लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, टेप्टम। ठीक है, और सबसे अंदर जो होता है उसमें क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन भरा होता है उसमें। ठीक है, और एक और होता है मिडिल लेयर भी होता है, यहाँ पे एक मिडिल लेयर भी होता है। ओके, लेकिन मेनली जो आपके जो मेन है एपिडर्मिस ही होता है, एंडोडर्मिस, टेप्टम, और सबसे बीच में जो भरे होते हैं अगर स्फेरिकल यानी कि गोल गोल संरचना के, उसे हम क्या बोलते हैं, पराकण बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे इसके बारे में अच्छे से। तो अब हम चलते हैं लैंगिक जनन के कुछ प्रोसेस के बारे में हम बताएंगे इसी वीडियो में, कि आप अगले वीडियो में आसानी से उसे समझ जाएं। तो यहाँ पे मैंने चार्ट बना दिया है, बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ये चार्ट हमें मिला है, तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है, इसे आप बहुत ही अच्छे से देखना, तो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, प्राकण पहले शुरू में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका फ्लावर में है पहले क्या होगा, शुरुआत में पॉलन ग्रेन आपका पॉलन ग्रेन जो आपके होते हैं परागकण होते हैं, फाल ऑन स्टिग्मा। देखिए हम चित्र के साथ ऐसे हम बता रहे हैं, पहले शुरू में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जो आपके परागकण होते हैं ये कहाँ लैंड करते हैं, यानी फाल करते हैं इसके स्टिग्मा पर, लैंड किए यहाँ पे आकर के फाल के गिरे। ओके, पहला हुआ ये। दूसरा देखिए, पॉलन ग्रेन हाइड्रेटेड, ठीक है, वो क्या हुआ, हाइड्रेट हुआ वहाँ पे, है ना, जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे क्या हाइड्रेट, पानी की मात्रा यहाँ पे बढ़ी। ठीक है, हाइड्रेट हुए। दूसरा आपका मतलब क्या है, हाइड्रेट हुआ जो पॉलन ग्रेन आपके परागकण हैं। तीसरा आपका है जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण आप परागकण, यही पे क्या हुआ, इनका जर्मिनेट भी हुए, मतलब अंकुरित भी हुए, कहाँ पे,
स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर। ठीक है, जैसे कोई भी आपका सीड है जब तक उस पानी उसे हम नहीं देंगे तब तक वो जर्मिनेट यानी कि अंकुरित नहीं होंगे। अगर हम कोई चीज़ हम बैठा रहे हैं या फिर कोई चीज़ हम बो रहे हैं तो विदाउट वाटर के वो क्या अंकुरित होंगे, नहीं होंगे। तो पानी की बहुत ज़रूरत हुआ है ना इसमें। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पॉलन ग्रेन पहले क्या हुआ, हाइड्रेट हुए, पानी की मात्रा वहाँ पे अवेलेबल हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुए वो जर्मिनेट हुए, यहीं पे जर्मिनेट हुए, अंकुरित हुए। फिर नेक्स्ट हमने देखा चौथा पॉइंट क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ स्टिग्मा बाय द पॉलन ट्यूब। अब यही जो हमारे पॉलन ट्यूब हैं मतलब पॉलन ग्रेन है, इन्होंने क्या बनाया, पॉलन ट्यूब बनाया और इस स्टिग्मा को पेनिट्रेट करके यानी छेद करके अंदर जाने लगे, है ना। तो देखिए पांचवा पॉइंट देखिए, पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल। ये देखिए जो हमारा दिख रहा है ये आपका सिलेंडर टाइप, इसी के द्वारा ये क्या किए, स्टाइल के द्वारा ये पॉलन ट्यूब इंटर किए अंदर की तरफ। ये हमारा पांचवा पॉइंट है। अब छठा पॉइंट मैंने क्या देखा है कि यहाँ पे क्या पॉलन ट्यूब इंटर द ओवरी। अब देखिए अब जब ये जितने आपका ग्रो होगा, ग्रो होते 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 क्या इंटर कर जाएगा कहाँ पे, ओवरी यानी कि अंडाशय में इंटर कर जाएगा। अब यहीं पे आपके अंडे मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या हुआ, पॉलन ट्यूब इंटर द ओवरी हो गया। अब इंटर करने के बाद क्या होता है, तो इसमें देखिए क्या होते हैं, जो हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं यानी कि प्राकड़ होते हैं वो टू इन नंबर में होते हैं, दो नर युग्मक जो होता है मेल गैमिट्स दो नंबर में होता है। अब ये दो नंबर में जो होते हैं ये यहीं पे बनते हैं, इसी पॉलन ट्यूब में ही बनते हैं। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे तो गिरे सिंगल मतलब एक ही आपका पॉलन ग्रेन यानी कि प्राकड़ गिरा, लेकिन यहाँ आकर के डबल हो गए। ठीक है, अब डबल होने के बाद ये इंटर किए, मतलब यहाँ पे जब ये इंटर किए तो डबल आपके पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ गए। ठीक है, कहाँ पे, ओवरी में। अब देखिए जो पहला है आपका जो पॉलन ग्रेन है ये फ्यूज किया किससे, वन नर युग्मक मिला अंडे से, अंडे से जाकर के पहला आपका यहाँ पे फ्यूज किया, एक आपका जो नर युग्मक है ये अंडे से मिला। और दूसरा देखिए सेकंड नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिला, आपके जो द्वितीय केंद्रक यहाँ पे मतलब कि अवेलेबल है ओवरी में वहाँ पे जाकर वहाँ उससे जाकर के मिला। पहला आपका किससे मिला, यज्ञ यानी कि अंडा से मिला, दूसरा किससे मिला, द्वितीय केंद्रक से मिला। अब देखिए जब आपका पहला नर युग्मक यानी कि अंडा से मिला तो क्या बनाया, जायगोट बनाया यानी कि युग्मनज बनाया। और दूसरा आपका जब द्वितीय केंद्रक से मिला तब क्या बनाया, एंडोस्पर्म बनाया यानी कि भ्रूण पोष बनाया। अब ये आपका टू एन नंबर में होगा जायगोट, आप जानते हो टू एन नंबर में क्यों है, क्योंकि नर युग्मक यानी कि आपके जब आप मानव के केस में देख लीजिए, नर युग्मक यानी कि शुक्राणु मादा युग्मक यानी कि अंडाणु आपस में मिले, ठीक है, दोनों आपस में मिलने के बाद क्या हुआ, जायगोट बना, जायगोट टू एन नंबर का ही होता है मतलब कि डिप्लॉयड होता है। अब इसमें देखिए सेकंड वाला जब मिला किसे, द्वितीय केंद्र से, तब क्या बना, एंडोस्पर्म बना, भ्रूणपोष जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ये आपका ट्रिप्लॉयड है। इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बताए हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, मेल ऑर्गेनल्स यानी कि नर जननांग, फीमेल ऑर्गेनल्स यानी कि मादा जननांग, और उसका मैंने पॉलन जो आपका सैक है उसका मैंने टीएस काटा है, उसमें मैंने बताया है कितने आपके लेयर हैं, इसका क्या कार्य है, उसके बाद मैंने इसका प्रोसेस बता दिया आउटलाइन फ्लो चार्ट के द्वारा, जो कि अगले वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।